चांद हमारी दहलीज पर खड़ा मुस्कुरा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तंदूर की रोटी माशाल्लाह क्रिस्पी क्रिस्पी रोटी है और साथ में है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरजादा आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम के 4 बज गए हैं और आज दिन को सही शिद्दत वाली गर्मी थी, ऐसा लग रहा था जैसे अप्रैल का महीना है और हमारे परिंदे माशाल्लाह मौज मस्ती कर रहे हैं। एक दिन भूखा रहने के बाद अब टिका के खाते हैं। आज मैंने इनको ये पालक डाली, वो पालक खा नहीं रहे थे लेकिन उसको जो है ना ऐसे कह रहे हैं कि मज़े उड़ा रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे, सिर्फ डरते बहुत ज़्यादा हैं। आज की रात हमारे लिए बहुत मुबारक रात है और अमर सैन की तबीयत जो है वो भी ठीक नहीं हो रही, तो आज की रात सभी से मेरी एक अल्तमास है कि सब मेरी अमर सैन के लिए खुसूसी दुआ कर दें क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुत ही ख़तरनाक बीमारी की तशखीस की। दुआओं से तो हर बला दूर हो जाती है, तो इसलिए सब अमर सैन के लिए दुआ कर दें, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब कर दें। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों एक बहन की शादी का केस जो है वो हम सॉल्व कर रहे थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गया। शादी पर मैं नहीं जा सका क्योंकि जिस दिन मैं मुल्तान गया हूँ उसी दिन उस बहन की शादी थी, लेकिन मैं जाते हुए उनसे मिलके गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन होके गया था कि तमाम इंतजाम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल थे। आजकल मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और कभी गर्मी तो कभी कभी सर्दी बन जाती है, कभी कभी बारिशों का इम्कान जो है वो जाहिर होने लग जाते हैं, तो इसलिए हम जानवरों वाला जो कमरा है वो अभी नहीं गिरा रहे क्योंकि जब बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो जानवरों के लिए कमरा ज़रूरी होता है। अभी बस 5-10 दिन तक जो है हम ये कमरा गिरा रहे हैं और बाकी ये वाली सेटिंग जो है ये मुकम्मल इंशाल्लाह कर लेंगे। ये मिट्टी जो है ये सारी जाएगी उस कमरे वाली जगह। अब एक और हमें केस मिला है, एक अंकल हैं जिसके 8 बच्चे हैं और एक महीना पहले जो है वो जल गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो अब जो है वो बहुत बुरी हालत में हैं, बिस्तर पे हैं, उनका इलाज चल रहा है। फैमिली की कमाई का वाहिद वो जरिया थे जो अब चारपाई पे हैं, तो अभी जो है मैं उनके पास जा रहा हूँ। सफ़ेद पोशी की वजह से मैं वहाँ पर वीडियो तो नहीं बना सकूँगा लेकिन कुछ ना कुछ जो है हम उनकी मदद ज़रूर करके आएंगे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ पुराने घर की तरफ क्योंकि वो जो अंकल हैं उसी साइड पर हैं। अतीक अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लकड़ियाँ काट रहे हैं और मैं जा रहा हूँ पुराने घर। कल गांव में रोड पर मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि फसलों वाला मच्छर जो है वो भी निकल के रोड पे आ जाते हैं, शायद शहरों में भी हो लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और बगैर ग्लासेस या हेलमेट के हम मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं चला सकते। भाई एक एक्सीडेंट हुआ था उस किधर लेकर गए थे, किसका बच्चे का एक्सीडेंट, किसका वो जो है ना इमरान का बेटा उसका बच गए नकला के गाल कर। वैसे आजकल बता रहा था मैं कि मच्छर बहुत ज्यादा है इसलिए ऐनक जरूरी है ना, मुझे बड़ा वाट शर्ट दिता है तू तो। सही है। और सुना बाबा चला गया वापस अपने केस की तरफ। जाने से पहले हम आए हैं अपने पुराने घर। और पुराने घर में खाने बन रहे हैं, किचन नहीं जा सकती अभी क्योंकि बन रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सुकून लेते हैं, ढलती शाम देखते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं अपने केस की तरफ। और सब कैसे हैं? डेढ़ क्यों बनी बात है एवं फफड़ी बेबकैन है ना दानिश। हाँ जी भाई, हर चीज़ सरसब्ज होने वाली है। शाम के 5 बज गए हैं और
बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम हमने स्पेंड कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं अपने केस की तरफ, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा। वैसे उनको पता नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इंतज़ार है कि मैं जल्दी से जल्दी उनके पास पहुँचूँ। और चलते हैं, अजाने भी हो रही है, नमाज मगरब उसका भी टाइम हो गया है, और जल्दी जल्दी वहाँ। और हमारे परिंदे बाहर हैं, लेकिन अब मौसम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, इसीलिए इनको बाहर ही होना चाहिए। सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, सुकून कर रहे हैं आजकल। वैसे हमारा भी बाहर सोने वाला मौसम है, बाहर सोना चाहिए हमें। और मुझे देर क्यों हुई? मैं जब उस अंकल के पास गया तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थे, और दर्द की वजह से वो चिल्ला रहे थे। और दो दिन से उनकी जो है वो दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं दो दिन मुल्तान था, इसलिए मैं उनके पास पहले नहीं जा सका। और ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं पहले नहीं जा सका उनके पास। तो जब मैं उनके पास गया हूँ तो मेडिसिन वगैरह देखी है, कुछ भी नहीं था उनके पास। इवन के क्या बताऊँ, सफ़ेद पोशी है, लेकिन फिर भी उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो आप लोगों की तावन से, आप लोगों की मोहब्बत से मैंने उन तक कुछ ना कुछ पहुँचा दिया। और उसके बाद जो है, एक दोस्त डॉक्टर थे, मैंने उनको कॉल की, वो भी तकरीबन हाफ घंटे में वो आ गए। और उसके बाद उनके लिए जो मेडिसिन वगैरह, उनका चेकअप करने के बाद मेडिसिन रिकमेंड की हैं उन्होंने, वो हम लेके आए हैं। और वो मेडिसिन उनको दे के अभी 8 बजे हम वापस घर आ गए। दिल को अब थोड़ी सी तसल्ली हो गई है कि हमने अपना जो फ़र्ज़ था उसको पूरा करने की कोशिश की है। और ये सब आप लोगों की तावन की वजह से है, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। जब मैं आ रहा था तो वो बंदा मेरे हाथ चूम रहा था, ये हाथ मेरे नहीं चूमे गए, ये उनके हाथ चूमे गए हैं जिन्होंने ये पैसा कमाया, मेरे तक पहुँचाया, मैं एक वसीला बना हूँ। और बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे थे, और इस मुबारक रात के लिए वो कह रहे थे कि आज मुबारक रात है, मैं नमाज अदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो है उनके लिए दुआ ज़रूर करूँगा जो वसीला बने हैं और जिन्होंने मेरी तरफ ये सब कुछ भेजा है। क्योंकि मैं आज बहुत बुरी हालत में था और अल्लाह के सामने मैं रो रहा था, मुझे 1 घंटा हो गया रोते हुए। घर हमारा जगमगा रहा है और चाँद इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है, काफ़ी दिनों बाद हम चाँद को देख रहे हैं। और कल माँ जी बता रही थी कि गांव में पहले जब बिजली वगैरह नहीं हुआ करती थी तो लोग अपने बच्चों की जो शादियों की तारीख होती थी वो चांद को देख के रखते थे, कि चांद की 14वीं को जो है ना ज़्यादातर शादियां हुआ करती थी, ताकि जो है वो रोशनी हो और अच्छी शादी गुजरे और रात को अच्छे से इंतजाम हो सके। आज की रात हमारे लिए मुबारक रात है, ईद का दिन है, लेकिन ईद उन्हीं की जिनके बच्चे जो है वो पेट भर कर खाना खाएंगे और आराम से सोएंगे, उनकी क्या ईद हो सकती है जो तकलीफ में हो और जिनके बच्चे भूखे सो रहे हों। और मेरी दुआ है कि आज के दिन के सदके अल्लाह ताला सभी की तकलीफें परेशानियां दूर फरमाए, और मेरी अम्मा सैन के लिए आप खुसूसी दुआ कर दें, अल्लाह ताला उनकी भी तकलीफ जो है वो दूर कर दें। भूख काफ़ी ज़्यादा लग गई है तो मैं जा रहा हूँ किचन की तरफ, खाने आज जो है वो माशाल्लाह काफ़ी बने हुए हैं, लेकिन मैं चूँकि बाहर था तो इसीलिए भूख लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमें हमारा मिल चुका है, और आज स्पेशल खाना है, अपने रूम में बैठ के खाना खाते हैं आराम से। चांद हमारी दहलीज पर खड़ा मुस्करा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने कमरे में बैठे हैं और सामने चांद नज़र आ रहा है और इतना खूबसूरत मंजर। और आज हमारे खाने में है तंदूर की रोटी, माशाल्लाह क्रिस्पी क्रिस्पी रोटी है, और साथ में है जी बीफ और मटर का सालन, माशाल्लाह। और यहाँ पर है सूजी का हलवा, और मेरे ख्याल में ये दूध वाली सूजी है, इसलिए ये मज़ेदार लग रही है, मलाई की तरह लग रही है ये। और भला हो चिकन का जो महंगा हो गया है, आजकल बीफ मिलना शुरू हो गया हमें घर में, क्योंकि चिकन भी 600 रुपये किलो है हमारे पास, और बीफ भी तकरीबन 600 साढ़े 600 रुपये किलो। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया है, और माँ जी के हाथ का खाना
तारीफ करने की जरूरत नहीं है, हमेशा की तरह लाजवाब। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।